हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शिल्पा शेट्टी का स्केच। तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बाल है, एंड मैंने इस ट्यूटोरियल में पूरा बताया है कैसे बिगिनर्स अच्छे से ब्लेंड शेडिंग टेक्निक्स यूज़ करके अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं रियलिस्टिक स्केच। आई नो मैं बहुत बकवास करती हूँ, बट कोई नहीं यार, कभी कभी सुन लिया करो ये बकवास भी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सॉरी यार, गो नहीं, बिगिन बोलना था। ओके कोई नहीं, हो जाती है ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स। तो यहाँ मैंने पहले से आउटलाइंस कर ली है, एंड अब 4B पेंसिल से मैं वो आउटलाइंस डार्क कर रही हूँ। सबसे पहले आईज से ही स्टार्ट करते हैं हम हर स्केच में, तो इसमें मैंने वैसे ही करा है। एंड इनकी आईज ब्राउन है, तो इसमें लाइट शेडिंग ही चाहिएगी, तो मैंने इसमें भी 4B पेंसिल का यूज़ किया है आई बॉल में भी। अब नोज़ के यहाँ जो आउटलाइन है उसको भी ड्रॉ कर लेना, बट थोड़ा कम प्रेशर लगा के करना। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो लाइंस फिर मिटेंगे नहीं, एंड आपका स्केच बिगड़ भी सकता है। अब 6B पेंसिल से आईबॉल में जो डार्क पार्ट है वो ड्रॉ कर रही हूँ मैं। इसमें ध्यान से देखना, रेफरेंस पिक में हमारे पास ब्राउन एरिया और ब्लैक एरिया और वाइट एरिया, तीन एरियाज है। तो जो ब्लैक एरिया है उसको मैंने 6B पेंसिल से ड्रॉ किया है, जो ब्राउन एरिया है उसको 4B पेंसिल से, और वाइट का मैं वाइट जेल पेन से यूज़ कर सकती हूँ, और या फिर आप जगह स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा। अभी मैं आईब्रोज ड्रॉ करने के लिए 4B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। आपको बस छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं, जिस डायरेक्शन में रेफरेंस पिक में दे रखा है उसी को देख के लगाना है। तो अब जो नोज़ के आसपास जो डार्क एरिया दिख रहा है, जो शेड दिख रहा है, उसको मैं HB पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, एंड जहाँ लाइट का फोकस आ रहा है वहाँ मैं ब्लैंक छोड़ दूँगी, वाइट स्पेस छोड़ दूँगी, फिर हम उसको डायरेक्ट अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। वैसे ही जो चीक्स के जो एक्सप्रेशंस है, जो स्माइल के एक्सप्रेशंस है, उसको मैंने पहले लाइन से ड्रॉ करा है, देन हम उसको ब्लेंड करेंगे, तो ये जो गाल की जो लाइन है वो अच्छे से दिखेगी एंड स्माइलिंग फेस लगेगा। तो अभी ये आईज़ आपको शिल्पा मैम की नहीं लग रही होगी, बट जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तब ये बहुत ही रियलिस्टिक लुक देगी। तो ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर स्केच, उसी से रियलिस्टिक लुक आता है। तो यहाँ ब्लेंडिंग के लिए मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ। आप ईयरबड या ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉटन बड़े पार्ट्स के लिए होती है एंड ईयरबड्स छोटे पार्ट्स के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब मैं वाइट जेल पेन से आईबॉल के अंदर जो वाइट पॉइंट्स है वो बना लूँगी, एंड देन अगेन ब्लेंडिंग। एंड ब्लेंडिंग आपको बहुत हल्के हाथ से करनी है, एकदम हल्का भी नहीं और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है। ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो आपका पेपर भी फट सकता है, तो थोड़ा हल्का हल्का हाथ से, जहाँ बहुत लाइट चाहिए हमको वहाँ बहुत हल्का हाथ लगाना, एंड जहाँ थोड़ा सा डार्क चाहिए वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना, एकदम ज़्यादा भी नहीं। तो ऐसे ही आईब्रोज में भी कर लेंगे, एंड वापस से ब्लेंडिंग करने के बाद जब वो लाइंस मिटर जाती है उसको वापस से डार्क करना मत भूलना। एंड हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर टॉम्बो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ भी आपको लगे आपको वाइट पार्ट्स चाहिए हाइलाइट क्रिएट करना है, जैसे कि आईज में मुझे लगा था, तो मैंने टॉम्बो इरेजर का यूज़ किया है। एंड रेगुलरली अपने पेपर स्टम्प को साफ भी करते रहना, जैसे मैंने किया है यहाँ पर। एंड अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी साफ करना ज़रूरी है। अब जो जो चीक्स की लाइन है वो बना लेना, उस पर ब्लेंडिंग कर लेना, एंड बीच का पार्ट थोड़ा सा वाइट छोड़ना ताकि वो हाइलाइट्स लगे, उभरे हुए गाल लगे, वरना पिचके हुए लगेंगे।
तो स्केच में यही मेन थिंग होती है, आपको हाईलाइट और ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है ताकि चीज़ें उभरी हुई लगे, 3D लगे। आपको 2D नहीं बनाना, जैसे बच्चे बनाते हैं वैसे नहीं बनाना है आपको, सिर्फ लाइंस लाइंस ड्रॉ कर दी, हमको 3D लुक मिलना चाहिए। एंड 3D लुक के लिए मेन चीज़ हाईलाइट्स ही है। मैंने यहाँ दोनों तरफ गाल की लाइंस बना ली है एंड उसको ब्लेंड भी कर लिया है। अब चलते हैं पूरे फेस की शेडिंग की तरफ। तो यहाँ मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, जहाँ वाइट पार्ट्स है वहाँ भी हमको लाइट शेडिंग करनी है, एकदम वाइट मत छोड़ देना, बस नोज़ के एरिया में वाइट छोड़ना है थोड़ा सा पार्ट। बहुत हल्के हाथ से शेडिंग और ब्लेंडिंग करना क्योंकि हमको यहाँ बहुत लाइट पार्ट्स बनाने हैं। अब चलते हैं लिप्स की तरफ। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसके आउटलाइंस डार्क कर रही हूँ 4B पेंसिल से, एंड जो मिड लाइन है हमको वो बहुत डार्क चाहिए होती है तो मैं उसके लिए 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एंड जो लिप्स पे थोड़ी बहुत वर्टिकल लाइंस होती है उसको ड्रॉ करना मत भूलना, नहीं तो वो रियलिस्टिक लुक नहीं देगा। एंड फिर उसको भी ब्लेंड कर लिया मैंने अच्छे से, थोड़ा लाइट प्रेशर का ही अप्लाई करना है यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए, नहीं तो जितनी भी लाइंस आपने बनाई है वो सब मिटर जाएगी। तो ब्लेंडिंग की वजह से थोड़े बहुत पार्ट्स जो लाइट हो गए थे मैंने उसको वापस से डार्क कर लिया है, एंड थोड़ी बहुत लाइंस भी वापस से ड्रॉ कर लिया है जो लाइट हो गई थी। तो आपको भी ऐसे ही धीरे धीरे लाइट लाइट शेडिंग करनी है, अगर एकदम से डार्क करने की कोशिश करोगे तो बिगड़ जाएगा, अगर लाइट लाइट शेडिंग करोगे तो धीरे धीरे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपका स्केच बहुत अच्छा बनता जाएगा। तो यहाँ हमने फेस की शेडिंग कंप्लीट कर लिया है एंड अब थोड़ा थोड़ा फेस मैच करने लगा है, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा अपने स्केच के लिए, आपको धीरे धीरे ही चीज़ें अच्छी बनेगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस। तो इस पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम हेयर्स और क्लोथ्स ड्रॉ करेंगे और हैंड भी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।